नमस्कार किसान भाइयों एवं मित्रों, मैं जो आपको ये खेत दिखा रहा हूँ ना, ये मेरे सेम का खेत है। ये मेरे सेम का खेत है। गांव में हूँ, गांव में आ चुका हूँ। 2-4 दिन मैं बुखार में पड़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ी बोलने में बुलंदी नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन बहुत तेज़ी बुखार रहा मुझे। इसलिए मैं ये वीडियो मैं अपने ही खेत की बना रहा हूँ, वो बता रहा हूँ किसानों की किस तरह है। जब हमारे खेत में और अन्य किसानों के पास भी मैं जाकर देखा तो क्या हालात हैं किसान की। अभी मैं जो खेत दिखा रहा हूँ वो सेम का दिखा रहा हूँ, ये हमारा खेत है। अब देखिए इस खेत में कुछ दिख रहा है, देखिए गौर करिए। अब हम वीडियो दिखा रहा हूँ, पूरा सामने लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव देखिए। यहाँ पर घास के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, घास के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हम आपको आगे भी ले जाएंगे, खेत थोड़ा बड़ा है। देखिए आप देखिए, ये सारे खेत के अंदर घास है। अब देखिए घास है, देख रहे हैं यहाँ पर एक बच्ची बकरी को भी छू रही है। अब घास से फसल है नहीं तो बकरियों को भी खेतों में चरा रही है। अब देखिए जो बीच में जो आप देख रहे होंगे ये पीला पीला क्या दिख रहा है, पीला पीला इसे थोड़ा बहुत ये मूंगफली है। देखिए गौर से आप देखिए, ये मूंगफली है, ये थोड़ी सी मूंगफली यानी कि 10 किलो करीबन ये बच गई है सेपरेट। उस पर दवाई डाल दी गई कि शायद लागत निकले आए, तो मैंने इस पर दवाई डाली है, छिड़काव कर दिया है, इसलिए थोड़ी बहुत आशा दिख रही है कि हो सकती लागत निकले आए, ये आशा है मुझे। अब बताइए घास कुछ नहीं है। जब मेरी और यानी कि 10 लोगों में से शेष 1-2 लोगों के पास फसल ठीक ठाक है, वरना फूल पूर्ण रूप से फसल खत्म हो चुकी है किसानों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए हम आपको अपना सेम का ही खेत दिखा रहा हूँ। देखिए अभी भी हम आपको बताएंगे कि देखो यहाँ पर मोटर भी चल रही है, मोटर भी चल रही है। अब मन नहीं मानते हैं तो कुएं में पंप बोलते हैं, कहीं कहीं डीजल पंप बोलते हैं। देखिए ये घास काट रहे हैं खेतों की, गायों के लिए, गाय होती है ना, घास काट रहे हैं उसके लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मोटर चल रही है, आप यहाँ पर बोलते होंगे पंप, देखिए मोटर चल रही है। देखिए देखिए ये पानी चला रहे हैं कि लगत आशा है किसानों को कि लगत निकल आएगी पानी देने से, पर बारिश नहीं हो रही है। 2 दिन से मौसम बनना है पर बारिश नहीं हो रही है। देखिए ये पंप चला रहे हैं, ये पानी कहाँ जा रहा है ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए पानी कहाँ जा रहा है, जी इस खेत में जा रहा है। देखिए इसमें फसल नहीं है कुछ भी, ये मूंग है, आप जानते होंगे इसको, मूंग है, एक छोटी सी टुकड़ी है ना, इसमें मूंग है। देखिए थोड़ी बेगरी बेगरी है, पर पानी जा रहा है खेतों में, पानी लग रहा है, ये खेतों में पानी लगा रहे हैं। देखिए यहाँ की थोड़ी हमारे बगल में खेत है ना, ये हमारे थोड़े बगल में खेत है जिसमें पानी लग रहा है ना, देखिए ये पानी जा रहा है ना, ये मूंगफली है। हमारे आसपास में सिर्फ यही खेत है जैसे मूंगफली सही से आबाद है, बकाया हमारे इस पूरे चक्र में पूरी फसल खराब है। देखिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई मित्र मेरे पास नहीं है ना, इसलिए मैं पूर्ण रूप से वीडियो को साफ नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने अपने पास वाले खेत में दिखाया है कि हमारे पड़ोसी का खेत है ना, फसल अच्छी है, सिर्फ एक ही खेत है, बकाया पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। देखिए ये घास काट रहे हैं, अभी घास काटा है मम्मी है ना, घास काटा है यहाँ, घास काटा है, गाय के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या है। और हमारे मोहल्ले के बहुत सारे आते हैं यहाँ पर घास काटने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ नहीं है, आप देख रहे हो ना दूर दूर तक ये पूरा ही घास दिख रहा है। देखिए सारे में घास ही घास खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, पूरा नष्ट है।
जो आसपास दूर दूर दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत फसल सही है, बकाया पूरी नष्ट हो चुकी है। पूरी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। अब बताइए किसान किस तरह मजबूर है। इस बार किसानों के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरा अनुमान मानूं, मैं अपना अनुमान आप लोगों को बताएं तो किसान की लगत ही निकल आए तो बहुत है। देखिए खेत तो पीले नीले हो रहे हैं, पीले पड़ गए हैं खेत। देखिए कुछ नहीं है, अब तो यही क्या लगत निकल आए तो किसानों को तुरंत राहत मिल जाएगी और बारिश हो जाए, क्योंकि फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है। तो बारिश हो जाए तो आगे का गेहूं बोलते हैं ना, कहीं कहीं लाहा बोलते हैं, तो ये फसल अच्छी हो जाएगी आने वाली फसल को। ये आशा कर रहे हैं किसान कि आने वाली फसल अच्छी हो जाए। तो इससे तो क्या है, इस फसल से तो हम लोगों का खर्चा चल जाता था, खर्च पानी के लिए ये फसल होती है और ये पूरी पानी पे डिपेंड होती है। कि इस साल पहले भी पानी नहीं गिरा था, इस बार भी पानी नहीं गिरा है, अभी एक थोड़ा पानी गिरा था वो भी 24 घंटे 48 घंटे के लिए, वही पानी है सब रिहान, उसके अलावा कोई पानी नहीं है। अब मैं आपको दिखा चुके हैं, आप खुद ही अनुमान लगाइए किसानों के क्या हालात हैं। जय हिंद, जय भारत।